Good morning, students. Today we are going to learn about transcription. We have discussed about replication, DNA replication, and after that we are going to learn about this transcription. There is a process in which DNA gets converted into mRNA, then into protein. So जब DNA जो है ये खुद की ही replication करता है, first thing is that it replicate itself and make its own copy. So replication. फिर DNA जो है mRNA में चेंज होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. जब DNA mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. जब mRNA जो है प्रोटीन में चेंज जाएगा, व्हेन mRNA सिंथेसाइज द प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर. अभी हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो ये जो होल प्रोसेस है वेयर द DNA replicate itself, then makes mRNA and then protein, this whole process is called central dogma. Which was given by Francis Crick. और इस central dogma में replication भी होगी, transcription भी होगी, translation भी होगी. So now what is transcription? Transcription is the formation of mRNA from DNA. The process is called transcription. जिसमें जो DNA है change हो जाएगा RNA में. Formation of RNA from DNA is called transcription. And specially what type of RNA is mRNA. There are three types of RNA. Let me write here. RNA, ribosomal RNA, then mRNA, messenger RNA, and then tRNA, transfer RNA. So, जो ये mRNA है वो इस प्रोसेस में बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में. The template DNA strand direct the synthesis of a complementary strand of RNA. What does the line mean? For example, this is a DNA chain having a template strand and a complementary strand. So, जो DNA है 5-3 direction and 3-5 direction. कोई भी इनमें से एक template जो है वो act करेगी as a template strand और RNA जो है उसकी synthesis होगी. For example, this one is act as a template strand और यहां पर जो है RNA की synthesis हो रही है. RNA का क्या काम है? Just copy और just make opposite nucleotide which is present in the template strand. यहां पर जो भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके ऑपोजिट में आरएनए जो है वो सिंथेसाइज करेगा न्यूक्लियोटाइड को. सिंपल सा प्रोसेस है. अब यहां पर दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग इज दैट आरएनए डज नॉट कंटेन थायमिन. थायमिन जो होता है एब्सेंट होता है आरएनए के केस में. थायमिन सिर्फ आपको डीएनए के केस में मिलेगा. सो थायमिन इज एब्सेंट. सो इन केस ऑफ दिस थायमिन यूरासिल प्रेजेंट मीन्स एडेनिन के साथ यूरासिल बाइंड करेगा, यू बाइंड करेगा, नॉट टी. इस वाले स्ट्रैंड में तो प्रेजेंट होगा बट इस वाले स्ट्रैंड में जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा. यहां पर जो है वो यूरासिल कोड होगा इंस्टेड ऑफ थायमिन. फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड अदर थिंग इज जो आरएनए सिंथेसाइज होगा वो सिंथेसाइज होगा 5-3 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो यहां पर अगर वो सिंथेसाइज हो रहा है तो ये वाला जो यहां आएगा 5-,
और यहाँ आएगा 3', इस डायरेक्शन में जो है सिंथेसाइज होगा। अब ये वाली चेन यहाँ पर भी तो सिंथेसाइज हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर भी सिंथेसाइज हो सकता है और इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा 5' to 3', इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है कि दोनों स्ट्रैंड में आरएनए सिंथेसिस हो सकता है? सो रीजन बिहाइंड दिस, इट मेक्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। व्हेन द आरएनए फॉर्म्स इन दिस साइड एंड आल्सो इन दिस साइड, इट मेक्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वो जो आरएनए वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, विच इज नॉन फंक्शनल इन नेचर। और जब यहां पर जो है आरएनए सिंथेसिस हो रही है और यहां पर भी आरएनए सिंथेसिस हो रही है, तो जो यहां पर प्रोटीन बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये यहां पर प्रोटीन बनेगी, यहां से प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगी, मे बी इट इज फंक्शनल इन नेचर एंड द अदर वन इज नॉन फंक्शनल। कोई भी एक जो है वो फंक्शनल रहेगी और अदर वन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। सो फंक्शनल मेक्स प्रोटीन एंड अदर वन इज नॉन फंक्शनल, इट कैन कॉज म्यूटेशन टू अवर बॉडी। म्यूटेशन हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे हमारी बॉडी में, वेरिएशंस आ जाएंगे बहुत सारे। सो दैट्स व्हाई जो चेंजेस हैं, जो आरएनए स्ट्रैंड है वो इट कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द डीएनए, इट कैन सिंथेसाइज ओनली इन द वन चेन ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर यहां पर सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का और यहां पर नहीं हो रहा है, then this strand is called template strand. So I hope it is clear. Now we are going to start the process of transcription. Before that, we are going to discuss about the enzymes which are helping in this transcription. Enzymes. In case of prokaryotes, RNA polymerase helps in the transcription. It is nothing but has 5 subunit. It contains 5 subunit, which is alpha 2, beta, beta dash, and then sigma. So this is RNA polymerase. What is the structure of this? I'm going to draw now. There are 2 alpha subunits and 2 beta subunits and 1 sigma. 2 alpha, then beta, beta dash, and then sigma. So this is called RNA polymerase, or this whole enzyme is called holoenzyme. If we remove this sigma from this complex, then it is called core enzyme. So what is core enzyme? It is alpha 2, beta, and beta dash. And what is holoenzyme? This one, alpha 2, beta, beta dash, and sigma. So what is difference between these core enzyme and holoenzyme? I think this is clear. So these two type of enzymes have different roles during transcription. इन दोनों enzymes के different role है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं पे core enzymes हैं which act as a substituent or which act as a unit helping in the transcription, and somewhere holoenzyme helps in the transcription. So यहाँ पर इन दोनों के different roles रहेंगे। First one, so there are three processes occurs in the transcription, 3 steps, or we can say that 3 steps. First one is initiation, next one is elongation, and third one is termination. So there are 3 steps mainly. Now we are going to discuss about this initiation, और मेनली इन प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे हम, कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरह की होती है। यूकैरियोट्स के केसेस में
इट इज अ डिफरेंट टाइप. कुछ एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट होंगे या कुछ फैक्टर्स होंगे वो यूकैरियोट्स के केस में डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स के केस में फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा इनिशिएशन. सो द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज अटैच इटसेल्फ टू द डीएनए चेन. डीएनए चेन के साथ जब वो कनेक्ट होगा अटैच होगा तब जाकर जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी. उससे पहले यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग. देयर इज प्रोमोटर. There is a promoter region and this one is the starting point. This one is promoter. Let me write here promoter. This one is starting point. Start. यहां पे कुछ numbers होते हैं -35, -10. Start point है. Let consider 0/1. So from the left hand side, or we can say that start from the starting point to this side is called upstream region of the DNA. Upstream region of the DNA. And from this starting point to this side is called downstream of the DNA. So it is upstream from the starting point to this side is upstream and from this side it is called downstream. यहां पर जो upstream region में जो भी numbers होंगे these are always in negative and in this side for example this one is present. So let me write the number 10. This can be shown with the positive sign or no sign. पॉजिटिव भी लिख सकते हैं 10 को नॉर्मली भी लिख सकते हैं हम. सो दिस इज अपस्ट्रीम साइड दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड. नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाई दिस इज -35 -10 बिकॉज द एरिया विच प्रमोटर हैव 35 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस सॉरी इन दिस रीजन. तो ये जो -35 और -10 है यहां पर ये जो दो बॉक्स हैं इनके पास कुछ सीक्वेंस होता है. कुछ सीक्वेंस है -35 हैज TTGACA मींस TTGACA एंड -10 हैज द सीक्वेंस ऑफ TATAAT TATAT. So -35 box have TTGACA and -10 box have TATAT nucleotide sequence. ये क्वेश्चन आ सकता है जो -35 रीजन है what sequence it has and -10 box what sequence it has. So remember that these are the sequence found on the known template polynucleotide. ये जो है इस रीजन में ही प्रेजेंट होंगे. एंड सेकंड थिंग इज दैट आप यहां पर देख रहे होंगे कि दोनों रीजन जो है दोनों डीएनए चेन जो है वो इन्वॉल्व रहती है इस ट्रांसक्रिप्शन में. तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं विच टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. कौन सी चेन जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है वी डोंट नो. सो वी जस्ट हैव दिस वन. यहां पर सबसे पहले अगर हम जनरली एक देखें तो यहां पर एक प्रमोटर रीजन होता है और यहां पर एक टर्मिनेटर रीजन होता है. एक सिंपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पे प्रमोटर रीजन होगा और यहां पर जो है टर्मिनेटर रीजन होगा. टर्मिनेटर मीन जहां पे टर्मिनेशन हो जाएगी आरएनए सिंथेसिस की. प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का खत्म हो जाएगा दैट इज टर्मिनेशन. और यहां पर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है. स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है जो हेल्प कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में. सो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि यहां पर जो है -35 -10 है स्टार्टिंग पॉइंट है.
अब आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर अटैच होना है, इस वाले रीजन में अटैच होना है, सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन हैज टू स्टार्ट। अगले रीजन में क्या होगा, यहां पर लेट मी ड्रॉ द चेन ऑफ डीएनए। दिस इज द डीएनए चेन एंड दिस वन आर द प्रमोटर रीजन, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ द कोर एंजाइम अटैच्ड इटसेल्फ टू द रीजन, जो कोर एंजाइम है वो अटैच हो जाता है इस रीजन में आके, विच इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, सो दिस इज कॉल्ड कोर एंजाइम। कोर एंजाइम यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यू कैन राइट हियर -35 -10। एंड देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट अटैच इटसेल्फ अंटिल द सिग्मा फैक्टर अटैचेस टू दिस कोर एंजाइम, सो सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट साइड। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सिग्मा फैक्टर है मींस जो होलो एंजाइम है वो कंप्लीटली बन जाएगा यहां पर प्रोमोटर रीजन, लेट राइट मी हियर प्रो एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहां पर क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हो गया, सिग्मा फैक्टर जो है वो अटैच हो गया सिग्मा। सो ये पूरा का पूरा होलो एंजाइम बन गया, मींस आरएनए पॉलीमरेज जो है अटैच हो गया। सो अब हम रिकॉग्निशन करेंगे, मींस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर हमने अभी तक अटैच नहीं किया है, नेक्स्ट स्टेप में ये अटैच हो जाएगा। और फिर सॉरी दिस वन लीड्स टू दिस, मतलब ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ये आगे प्रोमोटर रीजन से भी आगे जो है ये चला जाएगा सिग्मा। नाउ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज इटसेल्फ, सॉरी रिकॉग्नाइज बाय द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम। यहां पर जो रिकॉग्निशन मिल गई, स्टार्टिंग पॉइंट से अटैच हो गया आरएनए पॉलीमरेज, सो द ट्रांसक्रिप्शन हैज टू बी स्टार्ट, बट विद दिस सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, सो इट हैज टू बी, इट हैव टू डिसोशिएट द सिग्मा फैक्टर। सो अब हमें सिग्मा फैक्टर को रिमूव करना होगा, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज अगेन शिफ्ट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन और नॉर्मल शेप। सो वन मोर थिंग, This enzyme stretches itself when the sigma factor attaches to itself. It is called closed binary complex. Closed binary complex. Next structure में, next जो diagram है उसमें जो ये sigma factor है ये detach हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन दिस आरएनए पॉलीमरेज गेट बैक टू इट शेप। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ओपन कर देगा डीएनए की चेन को, जो कि रेप्लिकेशन बबल है, मैंने आपको बताया था जब रेप्लिकेशन बबल बनता है, विच इज द अदर थिंग, बट ट्रांसक्रिप्शन में भी ये स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अभी भी अटैच है, प्रोमोटर रीजन भी वहीं पे है, यहां पर जो है ओपन होगी चेन, अब यहां पर अटैच है, यहां पर भी ओपन होगी चेन। This one is RNA polymerase. RNA polymerase.
सो चेन जब ओपन हो जाएगी देन दिस कॉम्प्लेक्स विच इज क्लोज हियर इट इज कॉल्ड ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स. So, in the next step, which is elongation. First जो initiation start होगी हमारी, मतलब हमने chain जो है वो open कर दी. अब RNA जो है वो synthesize होगा और elongate हो जाएगी chain. हमने वही करना है, RNA की chain को elongate करना है. So, elongation means there are some nucleotide sequence are present in the nucleus and adding with the existing nucleotide. So, elongation occurs. Elongation means extend karna. So, in case of prokaryote, the nucleoid or the genetic material which is called nucleoid in case of prokaryotes, and here it is eukaryotic structure. This is prokaryotic and this is eukaryotic. What is the difference between them? The genetic material found in the nuclear membrane, inside the nuclear membrane. So, in this case, there are some ribonucleotide sequence present here. Ribonucleotide. In case of DNA or application, you can see that there are deoxyribo subunit attaches to it to the DNA gene. Deoxyribonucleotide. And here we attach the RNA chain, so we add in the elongation ribonucleotide. Because it is RNA. RNA have ribose sugar and DNA has deoxyribose sugar. Simple difference hai. This one contain deoxyribose and RNA contain ribose sugar. In case of prokaryotes, the genetic material found in the cytosol or cytoplasm. So there are some ribonucleotide sequence. Let me draw with the other pen. There are some ribonucleotide sequence. It is not T. Don't consider as T. जैसे मैंने यहाँ पर draw किया है ये chain यहाँ पर इस तरह से. तो ये singly अगर हम देखें तो singly ऐसे जो है ribonucleotide sequence कुछ present होंगे. In case of this, in case of eukaryote, जो ribonucleotide sequence है वो यहाँ nucleotide membrane के अंदर ही होंगे. Nuclear membrane के अंदर ही present होंगे. यहाँ पर अंदर, ओके. सो इनसाइड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर आर राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज प्रेजेंट. और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये साइटोसोल में प्रेजेंट है. सो अब क्या होगा, इलोंगेशन में हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना था, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना था हमारा. तो यहाँ पर जो है अटैच हो जाएगा होंगे साइटोसोल में, मान लो यहाँ पड़े हुए हैं. तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे. यहाँ लग गया. इस टाइप से जो है वो चेन की फॉर्मेशन करेंगे. अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करके देखें और डिटेल में देखें, देन अ प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ और इलोंगेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन विच इज कॉल्ड प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स. एंड द न्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3 की डायरेक्शन में राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एड होंगे. सो यहां पर चेन है, डीएनए की चेन है, और यहां पर आरएनए की चेन सिंथेसाइज हो रही है. डीएनए की चेन में यहां पर कुछ न्यू आ गए. सो ये जो डीएनए की चेन है कॉल लॉन्ग कर देते हैं एंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन दिस साइड. सो नाउ देयर इज सम प्रोटीन ब्रिज. There is some protein bridge, which so ये ribonucleotide sequence present है यहाँ पर, और यहाँ cytosol में बहुत सारे nucleotide sequence present है.
यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो है स्पेस है, तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ जाकर अटैच हो जाएंगे, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड और वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज अटैच एट वन पर्टिकुलर रीजन. सो वन राइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच टू वन पर्टिकुलर रीजन. अब नाउ दिस प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स शिफ्ट्स टू द नेक्स्ट. यहां पर नेक्स्ट जो है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, टू थ्री फोर फाइव, दिस वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां पर हमारे पास न्यू ऐड हुआ था यहां पर हमने न्यू राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच किया था. अब जो प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स है वो शिफ्ट हो गया आगे को, और उसने क्या किया, इस राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहाँ पर अटैच कर दिया, तो ये यहाँ आ गया. और फिर से ये जो साइटोसोल में जो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे ये जाकर अटैच हो जाएंगे इस साइड. सो दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन. इस तरह से इलोंगेशन होगी. ये चेन है, तो यहाँ पर जो है अब सीक्वेंस जो है वो बनना शुरू हो रहे हैं, अटैच होना जो है वो शुरू हो रहे हैं. आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच है यहाँ पर. सो दिस इज इलोंगेशन. अब थर्ड हम स्टेप करने जा रहे हैं, टर्मिनेशन. So what is termination? There is a sequence of termination in the DNA chain, or there are some enzymes which help in the termination. Termination means end of the process. And कैसे करना है transcription का? There are two ways. First one is intrinsic termination. And other one is RHO dependent termination. So intrinsic termination and RHO dependent termination, this is nothing but an enzyme which is helicase. So we talk about this later. अभी इंट्रिंसिक टर्मिनेशन की बात करते हैं. व्हाट इज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन? देयर इज सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन इन द डीएनए चेन. स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है, देयर इज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू टर्मिनेट दिस ट्रांसक्रिप्शन. सो क्या होगा कि जब हम आरएनए की चेन बना रहे हैं, आरएनए की चेन जब हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देते हैं. होता क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट है और यहाँ पर उसके ऑपोजिट. सॉरी, इसको पर्पल से ड्रॉ करती हूँ. और यहाँ पर जो है, जो न्यू सीक्वेंस बन रहे हैं वो अटैच हो रहे हैं. ये जो है आरएनए की चेन जो है वो सिंथेसाइज हो रही है. अब क्या होता है कि इस आरएनए की चेन में एक रिच सीक्वेंस होता है जी और सी के बीच में, जहां पे ग्वानोसिन और साइटोसिन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट है. तो यहां पर जो है वो इस टाइप का सीक्वेंस जो है वो बना देते हैं. अभी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ. जी सी सी सी, ये क्या सीक्वेंस है? यहाँ पर जो है जी और सी सीक्वेंस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है.
सी जी। तो अब इन तीनों के बीच में आप इन तीनों इन दोनों के बीच में जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन देम। सो ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना देते हैं, विच इज अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और यहां पर भी जो है रिच अमाउंट ऑफ जी और सी जो है वो प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच है अभी भी, वो अभी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ जो सीक्वेंस है, यहाँ डीएनए में कुछ सीक्वेंस होता है जो कि टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस को। अगर हम इस चेन को खोल के देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन अटैच है, यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन जो है वो अटैच्ड है। तो हमें पता है कि जो आरएनए का सीक्वेंस, जो आरएनए बनेगा, जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, उसमें जो एडेनिन के इक्वल जो है वो कौन अटैच होगा, यूरासिल। बहुत सारे यू जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का ये टर्मिनेट हो जाता है। बहुत सारे एडेनिन प्रेजेंट है, सो आरएनए जो है उसके पास थायमिन एब्सेंट है और यूरासिल जो है वो प्रेजेंट है, तो एडेनिन की जगह यूरासिल जो है वो अटैच होगा और दिस सीक्वेंस लीड्स टू इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, मींस टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस वन इज अबाउट इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। आरएच डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, एक रो एंजाइम जो है विच इन्वॉल्व डिफरेंट एंजाइम्स और रो एंजाइम्स कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है इस रो एंजाइम में, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो ये हेलिकेज स्ट्रक्चर है क्या, हेक्सामेरिक है, इसमें कुछ एन सब यूनिट्स हैं और कुछ सी सब यूनिट्स हैं, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है सी टर्मिनल, दिस वन इज एन टर्मिनल एंड दिस वन इज सी टर्मिनल। सो अब क्या होगा कि कोई भी डीएनए चेन है, मान लो कि ये डीएनए की एक डीएनए की चेन है और एक आरएनए की चेन है, तो ये जो चेन है ये क्या होगी, ये एंजाइम जो है वो रोटेटिंग एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, रोटेट होता हुआ ये दो चेन है तो यहां से वो ये एंजाइम जो है वो रोटेट करता हुआ यहां से जो है दो चेन्स को जो है वो अलग कर देगा और यहां से जो है आरएनए की स्ट्रैंड अलग हो जाएगी और डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये डीएनए की चेन है तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है रोटेट होता हुआ जो है मूव करेगा और आरएनए चेन को जो है वो निकालेगा, वो अलग कर लेगा, डिफरेंशिएट कर देगा फ्रॉम दिस डीएनए चेन। सो दिस इज अबाउट द टर्मिनेशन, दो टाइप की, इंट्रिंसिक और आरएचओ डिपेंडेंट। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस हैपन, मतलब यहाँ पर जो है कौन से जो है वो बॉक्स है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस -35 -10 है, जबकि जो यूकैरियोट्स है उनके केस में अलग होता है, उनके केस में कुछ डिफरेंशिएशन है जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी।